रेल प्रशासन इतना क्रूर और इतना निर्दयी होगा इस बात का अंदाजा हम लोगों को नहीं था। इनके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं है, इनके मन में सहानुभूति नाम की कोई चीज नहीं है। इन्हें कैसे भी करके आपको निचोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है और हम सब भावनाओं में रेल को आगे बढ़ाने के चक्कर में, देश को आगे ले जाने के चक्कर में निचोड़ते रहते हैं। ये हमारा शोषण करते हैं, पैसे कमाते हैं और साल दो साल में अपनी राह पकड़कर चले जाते हैं। मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। एक एएन पीडब्ल्यूआई और उनके चार ट्राली मैन कटनी व्यवहारी खंड में ट्राली पर रेल का निरीक्षण करने निकले, सामने से आ रही गाड़ी से टकराए और सब के सब काल के गाल में चले। शायद आप लोग वैष्णो जी का नाम जानते होंगे। बिटौनी में एक पूरी यूनिट राजकोट और जनता से टकराने के कारण दो लाइनों पर एक साथ गाड़ियां आ गई और पूरे के पूरे ट्रैक में इन पांच छह जितने थे सब के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैयर में अभी हमारा एक 58 साल का ट्रैक मेंटेनर 16 किलोमीटर पैदल चलते चलते इतना थक गया कि ट्रैक पर गिर गया और गाड़ी उसको दो टुकड़ों में बांटते हुए चली गई। यहां इसी डीआरएम ऑफिस के खंभे पर एक महीने की नौकरी वाले बच्चे को हेल्पर था, उसको चढ़ा दिया ये लाइन ठीक करने के लिए, उसको करंट लगा, वहीं से ऊपर से नीचे गिरा और वो खत्म हो गया। लार्जेस्ट में आया हुआ लड़का जिसका बाप यहां आके यूनियन ऑफिस में महीनों रोया, उस लड़के को रात में पेट्रोलिंग में लगा दिया बिना किसी ट्रेनिंग के और सामने वाली गाड़ी से टकराया पुल पर, उसकी दुखद मौत हो गई। वो राहुल पाठक लड़का यहां एसएससी राहुल गोयल जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था, उसकी बार बार हम लोगों ने शिकायत की, उसको टीआरडी में बिना ग्राउंडिंग के लाइन पर चढ़ा दिया, ओएचई का झटका लगा और उसकी दुखद मौत हो गई। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो मेरे दिमाग में है और पिछले दो कोरोना की लहरों में रेल की सेवा करते हुए इस रेल मंडल 66 और 44 रेल कर्मचारियों की दुखद मौत हुई। कोरोना से पीड़ित वो केवल इसलिए हुए क्योंकि वे रेल की सेवा कर रहे थे, वो अपने फर्ज को निभा रहे थे, अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। बाकी सारे व्हाट्सएप के अधिकारी अपने घरों में कांच की दीवारों में बंद थे, एक भी लाइन पर नहीं जा रहा था, एक भी इन ऑफिसों में चैंबरों में नहीं आ रहा था। वो तमाम इंजीनियरिंग के कर्मचारी, ऑपरेटिंग के कर्मचारी, कॉमर्शियल के लोग, रनिंग के लोग, सीएनडब्ल्यू के लोग, इलेक्ट्रिकल के लोग, टीआरडी के लोग, इन लोगों ने गाड़ियां चलाने का काम किया और कोरोना काल में भी पूरा राजस्व अर्जन करके देने का काम किया। बदले में क्या मिला? चार महीने से टीए बंद है, ओवर टाइम बंद है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है समय पर, भर्तियां नहीं हो रही हैं, कटनी से सिंगरौली डबल लाइन का काम सैकड़ों किलोमीटर चालू हो गया, वही एग्जिस्टिंग ट्रैकमैन, वही एसएससी, वही जेई, वही आईओडब्ल्यू, कटनी बिना थर्ड लाइन में आपकी गाड़ियां चालू हो गई कई स्टेशनों में, ना तो टीआरडी स्टाफ पढ़ा, ना इंजीनियरिंग स्टाफ पढ़ा और उस लाइन के मेंटेनेंस का पूरा दारोमदार हमारे आपके सिर पर है नहीं है, पूरा दारोमदार हमारे आपके सिर पे। ऐसी परिस्थितियों में रेल कर्मचारी काम कर रहा है और ये मंडल में बैठे हुए अधिकारी ये केवल और केवल अगर व्यस्त है तो एस्टीमेट, प्रपोजल, वेटिंग, टेंडर, कमीशन यही काम कर रहे हैं यहां बैठ करके, और इनको आपकी जान से कोई चीज लेने देना नहीं है, आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। जितना हम आप साल भर में तनख्वाह पाते हैं उतना ये मंडल के अधिकारी होली दिवाली पर गिफ्ट पाते हैं, कमीशन पाते हैं।
24 घंटे का नौकर है हमारा एसएससी, 24 घंटे। एक लर्च का मैसेज आ गया, पूरे ट्रैकमैन लाव लश्कर के साथ पूरा जेई एसएससी लाइन पर। जर्क का मैसेज आ गया, वेल्डिंग फेलियर। कुछ न कुछ आए दिन रातों में दिनों में होता रहता है। उसके बाद कंप्यूटर में फिटिंग, टीएमएस भरो, रिपोर्ट बनाओ, अभी तुरंत चाहिए, 10 मिनट में चाहिए। कहां से निकाल लेगा 10 मिनट में, लाइन पे है वो, कहां से कर लेगा? मैन पावर नाम की चीज नहीं है, ट्रेनिंग नाम की चीज नहीं है। इस तरीके के असुरक्षापूर्ण जो गाड़ियां संचालन करने का काम करके और बड़ी बड़ी सील्ड लाके चैम्बरों में चमकाने का काम कर रहे हैं, इनको घेर करके दौड़ाने का काम WCRU करेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों ने जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम हमारे मंडल के एसएससी आए, उन्होंने कहा पीसी से मुलाकात करेंगे। हम लोग भी गए, दोनों मान्यता प्राप्त इन्होंने के प्रतिनिधि थे, साथ में हमारे 40-50 एसएससी थे। पीसी महोदय ने बताया, हमारे साथियों ने मांग की कि जो काम दिन में हो सकता है वो रात में नहीं कराया जाना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी वहां पर, और अगर ऐसा कोई काम जिसको लेकर के गाड़ियां खड़ी हो रही हैं वो कराना जरूरी है, तो उसकी प्रॉपर सेफ्टी के साथ, लाइटिंग के साथ, सारी सुरक्षा के साथ वो काम होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीसी साहब का, उन्होंने आपकी बात को एग्री करने का काम किया। उन्होंने कहा हम लिखित आदेश बहुत जल्दी निकाल देंगे, लेकिन उनके नीचे बैठे हुए जो उनके चमचे हैं वो अभी देखना, उसमें तमाम गुणा भाग लगाएंगे, बोलेंगे साहब इस आदेश की आड़ में तो आपके काम होना बंद हो जाएंगे। अभी वो आदेश भी निकलेगा तो ऐसा लीपापोती करके निकलेगा कि उससे आपको कोई फायदा होने का काम नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा हमने इंक्वायरी बिठा दी है। कौन है इंक्वायरी में? जीएम साहब ने बिठाई है। कौन है? सीएसओ साहब। किस विभाग से आते हैं? इंजीनियरिंग। दूसरे सीबीई, चीफ ब्रिज इंजीनियर। कौन से विभाग से आते हैं? पुल तो उन्हीं का है, एलएचएस भी उन्हीं का है। अब कैसी इंक्वायरी होगी, क्या रिपोर्ट आएगी, आप लोगों को पता है। कहो ये रिपोर्ट ना आ जाए कि इन दोनों को तो बिल्कुल छुट्टी पे भेजा गया था, ये तो घर से आके पता नहीं क्यों पुलिया के अंदर घुस गए अपने काम से और इस कारण से वो मिट्टी गिर गई। इस तरह की रिपोर्ट आएगी आप इंक्वायरी के, देखना। मतलब उन्हीं को दोषी ठहरा देंगे, इनको तो हम 4 दिन पहले से छुट्टी दे दिए थे, काम तो IOW का था, ये तो घूमने आए थे तफरी करने रात में और आकर के पुलिया के नीचे बैठ गए। इस तरह की इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, क्योंकि जो सीबीआई महोदय है पूरा प्रशासन सुन ले, वो बहुत बदनाम शुदा आदमी है और वो यही रिपोर्ट देने वाले हैं। सब बच जाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे, वो दो विधवाएं, वो पूरी जिंदगी प्रताड़ना सहती रहे, पूरी जिंदगी परेशान रहे। उस परिवार को जो दुख मिला है, जो तकलीफ मिली है, उसको समझने वाला बहुत ही बिरला होगा कोई। सवाल ये नहीं, हमने पीसी साहब से कहा एक घटना हो गई, इसके ना कोई ये पहली घटना थी, मैंने आपको बताया इसके पहले भी खन्ना, बंजारी में, सिहोरा में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, और ना ये आखिरी घटना है। अभी ये प्रशासन 2-4 दिन चेत जाएगा, उसके बाद फिर वैसे ही आदेश, फोन पे, व्हाट्सएप पे, एसएससी को, जेई को, ट्रैकमैन को, जल्दी करो, जल्दी करो, ये करना है, वो करना है, बिना ब्लॉक के कर लो, ये गाड़ी ठीक कर लो, वो ट्रैक ठीक कर लो। आप चाहे जितना बोलोगे, लेकिन इनके चिकने घड़े पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और इंक्वायरी करने वाले लोग इंक्वायरी करेंगे, अपनी रिपोर्ट दे देंगे। हुकूमत भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में हम फरियादी जाए तो कहां जाए, दरबार भी तुम्हारा है और अखबार भी तुम्हारा। मुंशी भी वही, कातिल भी वही, गवाह भी वही, रिपोर्ट कैसे आएगी आप लोग समझ सकते हैं।
लेकिन मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हूं, आप तमाम रेल कर्मचारियों को जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हम रेलवे का काम करेंगे और पूरी शिद्दत से करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। और इस दौरान अगर कोई अधिकारी आपको आंखें दिखाए, आपकी प्रताड़ना करे, आपको शोषण करे, जबरदस्ती काम करने का दबाव बनाए, तो डब्ल्यू सी आर यू के मंडल सचिव नवीन लिटोरिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आप चिंता मत करना किसी अधिकारी